हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ जो वीडियो शेयर करने वाले हैं वो हमारे सर्दियों के सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लांट गेंदे से जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से आप गेंदे को कटिंग से लगा सकते हैं और एक प्लांट या दो प्लांट से आप ढेरों प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास बीज बचे हुए रखे हैं पिछले साल के, तो आप बीज डाल दीजिए और आपका प्लांट 15-20 दिनों में तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बीज बचे हुए नहीं रखे हैं, तो आप इसको नर्सरी से 2-4 प्लांट ले आइए और उसकी कटिंग कर करके आप ढेरों प्लांट अपने गार्डन में एकदम फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से गेंदे को कटिंग से ग्रो करेंगे, ये आज आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए फ्रेंड्स, गेंदे को किस तरीके से कटिंग से ग्रो करते हैं वो आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। ये मैंने ढेर सारे प्लांट तैयार किए हैं, कुछ बीज डाले थे और कुछ को कटिंग से लगाया है। जो बीज डाले थे वो अभी भी छोटे छोटे से प्लांट हैं और जिनको कटिंग से तैयार किया था वो प्लांट काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। ये प्लांट हम नर्सरी से लाए थे, इसमें कलियां भी आ गई हैं और बहुत जल्दी इसमें फ्लावर भी आने लगे। इसी प्लांट से मैंने बहुत ढेर सारे प्लांट तैयार किए हैं, कुछ मैंने बीज से भी लगाए हुए हैं। जो बीज से लगे हैं वो अभी छोटे छोटे से ही प्लांट हैं और मैंने 100 प्लांट पूरे तैयार किए हैं, कुछ बीज से और कुछ कटिंग से। तो आप भी फ्री में लगाइए ढेर सारे प्लांट, और ये हमारे प्लांट भी फ्री के और प्लांटर भी फ्री का ही। गेंदे के प्लांट को आप किसी भी तरीके से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं और प्लांट आपका इजली चल जाता है। मैंने बहुत सारी मिट्टी की जो मिटकियाँ पड़ी थी उनमें लगाया है और कुछ पेंट के डिब्बे और कुछ गमलों में भी लगाया है, क्योंकि मैंने 100 प्लांट तैयार किए हैं तो इसी तरीके से लगाया है। और एक प्लांटर में मैंने 3-3, 4-4 प्लांट लगाए हुए हैं। तो आपको दिखाते हैं कि मैंने कितनी ढेर सारी कटिंग लगाई है और कटिंग लगाने के बाद 7 दिनों में उसमें किस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी सी रूट्स निकल आती हैं। देखिए इनमें कितनी बड़ी बड़ी रूट्स निकली हुई हैं। मैं इन सब को आपको निकाल के दिखाऊँगी और गेंदे की कटिंग को आप किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं वो भी दिखाएँगे और कटिंग को कैसे लगाते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले कटिंग को हम रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो मैंने कटिंग लगाई थी उनमें जड़ें आई हुई हैं और उसको कैसे रिपोर्ट करें। ये बालू में लगा हुआ है, मैंने निकाल कर इसको पानी में डाल दिया है और पानी में डाल देने के बाद आप इसको देखिए, इसमें कितनी बड़ी बड़ी सी जड़ें निकली हुई हैं। और महज ये 7 दिनों में निकल आई है, तो आपका इतना बड़ा प्लांट 7 दिन में तैयार हो गया। जब अगर आप बीज डालेंगे तो इतनी जल्दी आपका प्लांट तैयार नहीं होगा, इसलिए आप इस समय पर कटिंग से लगाइए। अगर बीज डालना था तो आप पहले डाल सकते थे, अभी भी डाल सकते हैं, लेकिन आपका प्लांट थोड़ा देर से तैयार होगा। तो इसको इस तरीके से आप रिपोर्ट करिए। एक किसी भी पॉट में मिट्टी ले लीजिए और मिट्टी में आप लीजिए थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ी सी आप गोबर की खाद ले लीजिए या वर्मी कंपोस्ट, और बालू भी मिला लीजिए। इस तरीके से जब आप अपनी कटिंग को रिपोर्ट करेंगे तो आपका पौधा बहुत जल्दी बड़ा होगा। और जब ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए तो इसकी पिंचिंग आप ज़रूर करिए, जिससे गेंदे के प्लांट में ज़्यादा ब्रांच निकलेंगी और ज़्यादा फ्लावर आएंगे। इस तरीके से आप गेंदे को कटिंग से जो लगाया हुआ है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और जब आप रिपोर्ट करें तो रिपोर्ट करने के बाद आप इसको धूप में ना रखें, कम से कम 2 दिनों के लिए आप इसे किसी छाया वाली जगह पर रख दीजिए और उसके बाद आप इसे धूप में रख लीजिए, क्योंकि गेंदे को ज़्यादा धूप पसंद है और धूप में ही फ्लावर आएंगे। लेकिन इसको रिपोर्ट करने के बाद 2-3 दिनों के लिए इसे छाया में रखिए। अब किस तरीके से कटिंग लगाते हैं, ये कटिंग ले लीजिए और इसको आप पानी में डाल दीजिए, क्योंकि जब पानी में आप डाल देंगे तो पत्तियां इसकी पानी सोख लेंगी और फिर ये मुरझाएंगी नहीं और कटिंग आपकी इजली चल जाएगी। मुश्किल से 5 या 10 मिनट के लिए आप इसको पानी में डाल दीजिए और उसके बाद आप इसे पानी से निकाल लीजिए। गेंदे की जो कटिंग आप लगाएंगे वो बहुत बड़ी नहीं लेनी है, 3 इंच की कटिंग बहुत रहती है। इतनी बड़ी कटिंग आप आराम से लगा सकते हैं। और कटिंग को हमें बालू में लगाना है, मिट्टी में नहीं लगाना है। जब हम बालू में कटिंग लगाएंगे तो वो आसानी से चलेगी, और जो इसमें एक्स्ट्रा पत्तियाँ हैं उनको तोड़ के हमें हटा देना है,
उसके बाद हमें लगाना है। पहले इसमें आप बालू में होल कर लीजिए और इस तरीके से आप इस कटिंग को दबा दीजिए। और बालू में ही लगाना है, मिट्टी में नहीं लगानी है कटिंग हमें। और साइज़ 3 इंच का रहेगा। कटिंग को लगाने के बाद उसमें पानी डाल दीजिए और पानी डालने के बाद इसे आप छाया में रखिए। इसमें धूप बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए और जब भी आप कटिंग लगाएं हमेशा शाम के टाइम आप इसे कटिंग को लगाइए और इसको छाया में रख दीजिए। 5-7 दिनों बाद आप इसको धूप में निकाल के रख सकते हैं, तब तक इसमें जड़ें आ जाएंगी। कटिंग को किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं ये भी मैंने दिखा दिया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने ये 20 से डाले हुए हैं प्लांट, वो भी मैंने आपको दिखाए हैं छोटे छोटे से, ये सब 20 से ही लगाए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।